तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। बिफोर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर थ्रू चैट ऑप्शन, आगे बढ़ने से पहले दो क्वेश्चन हैं आपके लिए और आपको आंसर करना है चैट ऑप्शन का यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर वन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन वन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। आदित्य रंजन, फर्स्ट आंसर केम फ्रॉम आदित्य रंजन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। अभिनव आनंद का उत्तर भी आया है, अभिनीत कुमार। सो दीज आर द थ्री स्टूडेंट टू आंसर माय क्वेश्चन। फर्स्ट वन आदित्य रंजन, सेकंड अभिनव आनंद एंड थर्ड अभिनीत कुमार। एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज who was the chairman of the drafting committee? Who was the chairman of the drafting committee? For this question, first answer came from Abhinav Anand, roll number two. After that, Aditya Ranjan. After that, Abhineet Kumar. And then, answer came from Priya Kumari. Priya Kumari. और सभी बच्चों के उत्तर सही हैं। प्रिया रंजन का भी आंसर आ गया है। And the correct answer is डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। तो बच्चों, जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लास में आपको बताया कि इस चैप्टर की बहुत सी बातों को आप क्लास 8 में पढ़े हो, कुछ बातें वहाँ और विस्तार से हैं, तो कुछ नई बातें इस चैप्टर में, इस क्लास में आपने सीखा है। कुछ बातें बच गई हैं देखने के लिए। देर आर सम पॉइंट्स विच आर लेफ्ट। नाउ लेट्स मूव इन टू द बुक, द टेक्स्ट बुक। So we are going through chapter number 2,
कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर नंबर टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और इस चैप्टर में जो पहला हिस्सा है उसमें बात हुई है साउथ अफ्रीका की, नेल्सन मंडेला की, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड और सेग्रीगेशन की जो बातें थी वह बताई गई, और साउथ अफ्रीका के संविधान के विषय में चर्चा करने के बाद चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वह भारतीय संविधान को लेकर कर है। द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर रिलेट्स विथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इन दिस टॉपिक वी हैव टू मूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बच्चों ध्यान देना, चैप्टर नंबर टू स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर के शुरू में साउथ अफ्रीका के संविधान निर्माण की जो परिस्थितियां थी, सरकमस्टांसेस था, उसका जिक्र किया गया है। बताया गया कि साउथ अफ्रीका का संविधान मॉडर्न टाइम में एक यूनिक संविधान है और किन चैलेंजिंग एटमोस्फेयर में उस संविधान का निर्माण हुआ। चैप्टर का दूसरा हिस्सा भारतीय संविधान पर प्रकाश डाल रहा है और अब उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वह असेंबली होती है जो संविधान का निर्माण करे। संविधान रूल एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री और द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन वह नियमावली, वह नियमों की किताब, जैसे आप इसको डिफाइन करें, जिसके अनुसार उस देश का गवर्नेंस, या फिर बोले तो जिसके अनुसार गवर्नमेंट और उसके ऑर्गेन्स काम करें। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हु देन वेर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाले कौन थे। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस किताब में और विशेष करके ये दो तीन पन्नों पर कुछ विशेष लीडर्स का जिक्र है जिन्होंने संविधान निर्माण में रोल प्ले किया। जैसा कि आप देख रहे हो इस पेज पर मैंने सर्कल किया H.C. मुखर्जी। सिमिलरली इन डिफरेंट पेज वी हैव डिफरेंट लीडर्स, फॉर एग्जाम्पल जयपाल सिंह, फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र प्रसाद, फॉर एग्जाम्पल T.T. कृष्णमाचारी, फॉर एग्जाम्पल अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मेनी मोर। नाउ द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन जुलाई 1946। भारत का संविधान का निर्माण एक चुनी हुई सभा के द्वारा हुआ और वह चुनी हुई सभा जो संविधान बनाने के लिए थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का चुनाव हुआ
और चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, इसको अंडरलाइन करना, इम्पोर्टेंट टाइम है, जुलाई 1946। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का चुनाव होता है। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। ठीक है, जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, और दिसंबर, ठीक है, जुलाई अगस्त बीता, ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, 1946। और आप सभी जानते हो 1947 अगस्त के महीने में भारत का दुखद बंटवारा होता है, इंडिया पाकिस्तान के रूप में दो देश सामने आते हैं, हिंदुस्तान से ही निकलते हैं, इंडिया से। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई थी जुलाई में, वह अनडिवाइडेड इंडिया के लिए थी। उसमें उस एरिया से भी लीडर्स आते थे जो एरिया 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान हो गया। तो जब भारत का बंटवारा हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का भी बंटवारा हुआ, वे सदस्य जो पाकिस्तान के हिस्से से आए, वे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य हो गए कुछ बदलावों के साथ में, और जो हिंदुस्तान के हिस्से में जो लीडर्स बचे, वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य रह गए, और उनके ऊपर जिम्मेदारी रही कि भारत के संविधान का निर्माण करें। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। भारत का संविधान, भारत का संविधान जिन नेताओं ने लिखा, ठीक है, वे संख्या में कितने थे? 299। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है, बच्चों ध्यान देना यहाँ थोड़ा, ठीक है, बी केयरफुल, एक शब्द है अडॉप्टेड, ठीक है, अपना लिया गया, तो संविधान को अपना लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 अपना लिया गया, नेताओं ने मान लिया ये संविधान है, दे पुट देयर सिग्नेचर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ध्यान दीजिएगा, दो डेट है, एक डेट है जब संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया, नेताओं ने सिग्नेचर कर दिया कि हाँ यह संविधान को हम अपना लिए, तो एक वह डेट है 26 नवंबर 1949, और एक डेट क्या है जब संविधान पूर्णतः लागू हो गया, और वह डेट है 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को हर साल हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 26 को किस रूप में? रिपब्लिक डे के रूप में, ठीक है। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, फिर से देखिए, जुलाई 1946, दिसंबर 1946 पहली बैठक, ठीक है, हिंदुस्तान का बंटवारे के साथ में संविधान सभा के सदस्य भी इधर वाले इधर रह गए, उधर वाले उधर चले गए, कुछ हल्के फुल्के बदलाव के साथ। भारतीय संविधान को लिखने वाले सदस्यों की संख्या 299, ठीक
ठीक है, असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया, लागू किया 26 जनवरी 1950। अब देखो एक क्वेश्चन उठता है कि तकरीबन 75 साल हो गए, ठीक है, जब किताब लिखा जा रहा था उस समय करीब 60 साल हुए थे, इसलिए लिखा गया है क्या 6 डिकेड्स एगो, ठीक है ना। लेकिन अब आज के दिन, ठीक है, करीब करीब 75 साल होने जा रहा है संविधान को लागू हुए, ठीक है, 2 साल का पीरियड है, 1.5-2 साल का, तो तकरीबन 75 ईयर्स, ठीक है, उसको नहीं मानना तो ये तो मान लेंगे 70 ईयर्स हो गया, मोर देन 70 ईयर्स, 70 साल से ज्यादा हो गया। आज भी उसी संविधान के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स एगो। 6 डिकेड्स एगो आज भी हम उस संविधान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, जो 6 डिकेड्स एगो किताब लिखा गया उस समय ही, 6 डिकेड्स, अभी 6 नहीं 7 डिकेड्स एगो, तो 70 साल हो गए संविधान हम लोग मान रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव, एक कारण तो हम लोगों ने देख लिया अब तक, क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। एक बड़ा कारण यह है कि संविधान में केवल संविधान बनाने वालों का ही राय नहीं है, बल्कि एक आम सहमति है हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर, और वह सहमति आज भी चल रही है। तो संविधान को बिल्कुल नए रूप से लिखने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल्स वेर नॉट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में लगभग 75 साल से वही संविधान चल रहा है, जबकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां संविधान को पुनः लिखा जा रहा गया। क्यों? क्योंकि जो बेसिक रूल्स थे उसको सब लोगों ने माना नहीं। हमारे यहाँ ये समस्या नहीं आई, जो हमने कानून बनाया इतनी अच्छी तरीके से बनाया, समय लगा 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, काफी चिंतन मनन किया गया, डिस्कशन हुए और तब हमारा संविधान बना। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। तो जो हमारा संविधान बना वह आज भी चल रहा है, एक बड़ा कारण कि आपसी सहमति से संविधान को हम लोगों ने बनाया, हमारे लीडर्स ने बनाया उस समय का, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये जो समय बीता है करीब 75 साल, ठीक है, कुछ कुछ बातों पर समाज के कुछ लोगों ने आपत्ति जरूर दर्ज कराई, कुछ बातों पर कि हाँ जी ये पॉइंट बदलना चाहिए, ये वाली बात अब ठीक नहीं होगी संविधान में रहना, पर कभी किसी ने नहीं कहा कि पूरा का पूरा संविधान ही बेकार है, ठीक है, इसको फिर से लिखने की आवश्यकता है ऐसा, ठीक है, समाज के किसी भी समूह ने
गंभीरता से नहीं कहा, ठीक है, समूह ने। अब इक्का दुक्का लोग मिलते हैं, ठीक है, कि हाँ एकदम बदल देना चाहिए, पर गंभीरता देखिएगा तो उनमें गंभीरता नहीं होती है, बस केवल उनका वो भाषण का या फिर कुछ डिबेट का इश्यू होता है, कुछ लोग वैसे लोग जरूर हैं, ठीक है, पर गंभीरता पूर्वक किसी भी सामाजिक समूह ने, चाहे वह जेंडर पर हो, चाहे वह लैंग्वेज आधार पर ग्रुप हो, चाहे रिलीजन वाला ग्रुप हो, चाहे कास्ट का ग्रुप हो, चाहे कोई रीजन का ग्रुप हो, कभी किसी ने यह डिमांड नहीं किया कि नहीं, कि कभी किसी ग्रुप ने यह डिमांड नहीं किया कि पूरा का पूरा संविधान बदलना चाहिए। कुछ बातों पर क्वेश्चन उठा, उस पर अमेंडमेंट्स हुए हैं। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, और पूरे के पूरे संविधान पर क्वेश्चन नहीं उठा, यह अचीवमेंट है हमारे संविधान का। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपुल ऑफ इंडिया। तो जो पहली बात रही, पहली बात कि संविधान का निर्माण आपसी सहमति से हुआ, तो और जो दूसरी बात क्या है कि जो वो लीडर्स थे वहां पर, ठीक है, वे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से चुन करके आए हुए लीडर्स थे, ठीक है, चुनने की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष थी, लेकिन वे चुने हुए लीडर्स थे, और जनता जो पीपल है उसका विश्वास उन लोगों पर था, सो दे वेर रिप्रेजेंटेड द पीपुल ऑफ इंडिया। देर वॉज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया। जो बात मैंने कहा वो यहाँ लिखा हुआ है कि जो सदस्य थे वे डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने गए नहीं थे, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही वे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड दे वेर फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। नाउ मूविंग अहेड, पेज नंबर 25, अकॉर्डिंग टू मी, इलेक्टेड मेनली बाय मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशनड अबव। तो ये जो लीडर्स चुन के आए थे उनको चुना था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने, मतलब आज के समय में समझो तो विधानसभाओं ने। अगर आज के टाइम में देखो तो जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का चुनाव हुआ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के द्वारा, ठीक है। दिस इंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री, और इस तरह से भारत के हर एक ज्योग्राफिकल स्फीयर को वे रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोई दिल्ली से था, कोई पंजाब से था, कोई असम से था, कोई बंगाल से, कोई तमिलनाडु, समवन फ्रॉम कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी एंड अदर पार्ट्स। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, वह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। द पार्टी दैट लेड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, वह पार्टी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया, नेतृत्व दिया। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप एंड ओपिनियन, लेकिन उस समय का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है, उसमें अनेक विचारधाराओं के लोग, अनेक ओपिनियन वाले लोग थे। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, उस असेंबली में
बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी थे जो कांग्रेस की बातों से सहमत नहीं थे। कहना यह चाह रहा है कि उस संविधान निर्माण में जो सदस्य थे वे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से थे, अलग अलग ओपिनियन वाले थे, ऐसा नहीं कि वे एक मत वाले थे कि नहीं भाई चलो यही काम करना है मिलकर के। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा है? यह बताने के लिए, समझाने के लिए कि हर एक बिंदुओं पर जबरदस्त डिबेट हुई, दोज हुए सपोर्टिंग, दोज हुए नॉट सपोर्टिंग, और दोनों की बातों को देखा गया, विशेष करके जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि उनका ऑब्जेक्शन सही तो नहीं। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एनफ्रेंचाइज, तो बच्चों जो संविधान सभा था वो डायरेक्टली नहीं चुना गया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आज के समय वाला नहीं था, लेकिन अगर इस व्यवस्था से भी चुना गया होता तब पर भी, ठीक है, तब पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के हर एक जियोग्राफिकल एरिया से लोग वहां थे। ठीक है, हर एक धर्मों के लोग थे, अनेक जातियों के लोग थे। ठीक है, और हर एक मुद्दे पर जमकर डिबेट हुई। ये आज का नहीं कि गए जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाए और तब तक स्पीकर बोलते हैं क्या, नाउ द हाउस इज एडजर्न। ठीक है, आज जो देखने मिलता है लोकसभा राज्यसभा में कभी कभी दुखद है। ठीक है, नेतागण गए हो हल्ला, कोई जिंदाबाद बोल रहा है, कोई मुर्दाबाद बोल रहा है, और तब तक राज्यसभा में चेयरपर्सन, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर, वे अपने सीट से उठते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि आज की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित, फिर 2 बजे हो हल्ला, फिर आज की कार्रवाई कल तक स्थगित। तो ऐसा उस समय नहीं हुआ, जमकर डिबेट हुआ। ठीक है, लोगों ने अपनी बातें रखी और विशेष करके जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे उनकी बातों को सुना जा रहा था। ठीक है, वे संख्या में एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, लेकिन विरोध करने वालों का बात को विशेष कर सुना गया। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ा तो संशोधन किया गया, ठीक है, रूप चेंज किया गया। तो बड़ी खासियत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ऐसा सुनने में पढ़ने में आता है। ठीक है ना, मैं उस समय था, आप तो बिल्कुल नहीं थे, मैं भी उस समय नहीं था। ठीक है, और आज की तरह कोई, ठीक है, प्रसारण भी उस समय थोड़े ना होता था, तो टीवी टेलीविजन 80s के दौर में हिंदुस्तान में शुरू हुआ, 96 के करीब में शुरू हुआ लोकसभा राज्यसभा का प्रसारण, सीधा प्रसारण DD पर। लेकिन सुनने में पढ़ने में आता है कि काफी शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ हमारे नेताओं ने हर एक पॉइंट्स पर चर्चा की और फिर एक सहमति बनाते हुए उन्होंने उन बातों को संविधान में जगह दी। फाइनली आता हूं अब किताब की ओर। फाइनली द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और अंत में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से संविधान सभा ने कार्य किया वह संविधान की वैल्यू को भी बढ़ाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिस्टेमेटिक तरीके से, ओपन तरीके से, ठीक है, सहमति बनाने, कंसेंशनल मैनर में काम किया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल को सामने रखा गया, उस पर डिसीजन हुआ, लोग सहमत हुए। देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर
बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिस्कशन। तो सबसे पहले क्या होता था, बातों पर सहमति होती थी, फिर उसको ड्राफ्ट किया जाता था और फिर संविधान सभा के सामने रखा जाता था डिस्कशन के लिए कि हाँ ये ऐसे रूप में है, ठीक है, लोग अपनी अपनी राय दे, डिस्कशन हो, डिबेट हो। सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्लाउज बाई क्लाउज मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेर कंसिडर्ड। संविधान सभा में लगभग 2000 सुधार वाले प्रस्तावों पर विचार किया गया, 2000, ठीक है, हर एक बात पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो काफी डिटेल थोरो डिस्कशन हुई। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड 414 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, लगभग 3 साल, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। तो लगभग 3 साल में 114 डेज सदस्य मिले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठकें हुई, 114 डेज, ठीक है। तो तुम बोलोगे लगभग 1000 दिनों में 114 दिन ही, ठीक है, बाकी दिन जो मेंबर्स थे वे पढ़ते थे और दूसरे काम भी करते थे, क्योंकि जो मेंबर थे, ठीक है, दे वेर मिनिस्टर्स, सम ऑफ देम वेर मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू सदस्य थे, वो प्राइम मिनिस्टर का भी कार्य देख रहे थे, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स थे उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और उस जिम्मेदारी में वो एक जिम्मेदारी निभा रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य के रूप में, ठीक है। तो और चीजों को पढ़ना होता था, बहुत सारे ग्रुप बने जो विदेश भी गए, ठीक है, वहां के संविधानों का यहाँ अध्ययन किया, वहां जा करके भी चीजों को देखा गया, समझा गया, और इसको आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा कि बहुत से बातों को, ठीक है, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस को भारतीय संविधान में अपनाया गया। आज के लिए इतना ही, कल इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल नाउ इन टुडेज क्लास। आदित्य रंजन का एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि वह कल ऑफलाइन क्लास में पूछे, ठीक है। आस्क दिस क्वेश्चन, रेज दिस क्वेश्चन इन ऑफलाइन क्लास। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच टू बी विथ मी, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल।